डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी ब्रीथ के एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 10.2। 10.2 के क्वेश्चन नंबर बात किया जाए तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर दिखा देते हैं आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया था। पाँचवा एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था जो कि हम लोगों का छूट रहा था, पिछले क्लास में नहीं हो पाया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। उसके बाद पता होगा आपको क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का हो चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि एक स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी कि इसका मतलब हमें बोल रहा है कि कोई एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त का मान लिया कि केंद्र जो है वो है, और एक इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। उस स्पर्श रेखा का नाम हम लोग दे देते हैं ए बी, और इसके स्पर्श बिंदु का नाम दे देते हैं पी। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि बिंदु पी से अगर स्पर्श रेखा पर बिंदु पी है, इसी पी से अगर त्रिज्या यानी कि केंद्र ओ को मिलाएंगे तो परस्पर क्या होंगे। मतलब कि यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि कोई भी एक वृत्त है, उस वृत्त के स्पर्श बिंदु से जब लंब खींचेंगे ना तो वो ओ से होकर गुजरेगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाए कि हम लोग यहाँ पे क्या माने हैं। तो लिखा जाए, माना कि ओ केंद्र वाला वृत्त, ओ केंद्र वाला एक वृत्त पर ए बी स्पर्श रेखा खींचा, स्पर्श रेखा ए बी स्पर्श रेखा है, ऐसे कर लीजिए। हम माने हैं कि ओ केंद्र वाला वृत्त है जिस पर स्पर्श रेखा क्या है, ए बी है, और जो किस इस पर एक स्पर्श बिंदु भी है, जो स्पर्श बिंदु पी से गुजर रही है। यानी कि देखिए, हम यहाँ पे क्या माने हैं। माने हैं कि वो केंद्र है वृत्त का, और ए बी एक स्पर्श रेखा है जिस पर बिंदु पी जो है स्पर्श बिंदु है, और इसी पी बिंदु से ए बी जो है गुजर रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या सिद्ध करना है, जरा इस बात को भी लिख लिया जाए। तो हमें यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि बिंदु पी पर खींचा गया लंब, बिंदु पी पर खींचा गया लंब केंद्र ओ से होकर गुजरेगी, ऐसा हमें प्रूफ करना है, ठीक है। क्या प्रूफ करनी है कि बिंदु P पर जो खींचा गया लंब है वो किससे होकर गुजरेगी, O से होकर गुजरेगी, ठीक है। अब इस पर हमको कुछ मानना होगा। जैसे कि हम ऐसा मान लेते हैं कि बिंदु P पर जब लंब खींचेंगे तो O से नहीं गुजर रहा होगा, कोई और दूसरा बिंदु से गुजर रहा होगा। तो इसके लिए ना फिर से दूसरा एक फिगर बनाना होगा। इस बार क्या किए हैं, वही है, यहाँ पे एक स्पर्श बिंदु P है, यहाँ पर ए बी एक स्पर्श रेखा है, और ये तो हम लोगों का केंद्र है। लेकिन ऐसा मान रहे हैं कि जब हम इस पर लंब खींच रहे हैं O से नहीं, बल्कि एक बिंदु का नाम रखते हैं O डैश, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन O यहाँ पे केंद्र है तो इसका नाम O डैश रख देते हैं, नाम मिलता जुलता है। तो फिर से हम मान रहे हैं, मान लीजिए
बिंदु पी पर खींचा गया लंब ओ से नहीं बल्कि ओ डैश से होकर जाती है। इस बार हम क्या माने हैं कि जब हम इस पर एक स्पर्श सॉरी लंब खींचेंगे बिंदु पी पर, तो ओ से नहीं बल्कि किससे गुजरेगा, ओ डैश से गुजरेगा तथा ओपी और ओ डैश पी को मिलाया। तो जब ओपी और ओ डैश को मिलाएंगे तो हम लोगों को कुछ ऐसा प्राप्त होगा, ये ओपी को मिला दिया और ओ डैश पी को स्केल की सहायता से मिला दिया। ठीक है, अब ओपी और ओ डैश को मिलाने के बाद हमको ये पता चल गया कि भाई ओ से नहीं गुजर रही है, किससे गुजर रही है, ओ डैश से गुजर रही है। ठीक है, तो हमको पता है कि जब हम इस पर लंब खींचेंगे बिंदु पी पर, तो बिंदु पी पर खींचा गया जो लंब है वो केंद्र से हमेशा 90 डिग्री कोण बनाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि इस बार ओ से नहीं गुजर रही है, ओ डैश से गुजर रही है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ओ डैश पी बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, और ये जब ओ पी एक त्रिज्या है, केंद्र माने हुए हैं, तो एंगल ओ पी बी भी कितना होगा, ओ पी बी भी मेरा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे ओ डैश पी बी भी 90 डिग्री होगा और ओ पी बी भी 90 डिग्री होगा। तो समीकरण एक और दो से आपको पता कैसे चल रहा है कि ओ पी बी और ओ डैश पी, तो ओ एक और दो से देखिएगा तो दाहिने तरफ का 90-90 इक्वल है, तो बाएं तरफ का भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण एक और दो से समीकरण एक और दो से पता चल रहा है कि दाहिने साइड इक्वल है, इसलिए लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, ओ डैश पी बी बराबर एंगल ओ पी बी। यहाँ देख पा रहे होंगे ओ डैश पी बी बराबर आ गया ओ पी बी, और यह आकृति से बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आकृति में आप देख पा रहे होंगे तो आकृति में ओ पी बी और ओ डैश पी बी दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, यह आकृति से बिल्कुल गलत है, इसलिए विरोधाभास का मतलब यहाँ पे हम लोग गलत कुछ आ रहा है, तो विरोधाभास से यह प्रमाणित होता है कि यह प्रमाणित होता है कि बिंदु ओ और बिंदु ओ डैश एक ही स्थान पर होना चाहिए। अतः ओपी बराबर ओपी डैश, यानी कि जब
देखिए ये गलत हुआ है। हम लोगों को जो मानना था, हम लोग क्या माने थे कि ओ से नहीं गुजर रही है, ओडे से गुजर रही है, तो ये हम लोगों का मानना जो है बिल्कुल गलत था। इसीलिए हम लोग यहाँ पे विरोधाभास लिखे हैं कि विरोधाभास से यह प्रमाणित होता है कि बिंदु ओ और ओ डैश जो है एक ही स्थान पर होना चाहिए, इसलिए ओ पी का मान ओ डैश पी के बराबर होना चाहिए। ओ डैश पी के मान बराबर होना चाहिए, इसलिए इसलिए पी से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, पी से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब बिंदु ओ से गुजरेगी। प्रूफ। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें विरोधाभास से सिर्फ आपको लिखना ही है कि हम लोग क्या माने हैं, कैसे करना है, किस बिंदु से गुजर रही है, किस बिंदु से नहीं गुजर रही है। तो एक तरीके का ये प्रूफ तो है ही है, लेकिन उस तरह से सिस्टमेटिक प्रूफ नहीं है। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5th थे। चलिए हम लोग आगे की क्वेश्चन 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक बिंदु ए से जो 6 तो हो गया, सॉरी 7 7, क्योंकि 6 पिछले क्लास में हम लोग कर लिए, 7 नंबर। दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आपको संकेंद्रीय वृत्त आपको पता होना चाहिए कि आखिर संकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं। तो आपको संकेंद्रीय वृत्त समझना चाहिए, जब वृत्त के अंदर एक और वृत्त मिल जाए दोस्तों, तब हम उसको कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। तो वृत्त के अंदर अगर वृत्त मिल जाए तब हम उसको क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त। तो यहां पे बोल रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो चलिए 7वां में दो संकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं। तो एक वृत्त हो गया ये, ठीक है, और एक उसके बाहर का वृत्त बनाना है, समझ रहे हैं। तब जाकर हम इसको कहेंगे दोस्त संकेंद्रीय वृत्त। क्या कहेंगे इसको, संकेंद्रीय वृत्त। और वृत्त का केंद्र दोनों के लिए यही है ओ, यानी कि संकेंद्रीय वृत्त कहते किसको है, जब वृत्त के अंदर एक और वृत्त हो जाए तब हम उसको किस नाम से जानते हैं, संकेंद्रीय वृत्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक संकेंद्रीय वृत्त हो गया, और छोटा वाला जो वृत्त है अंदर वाला, उसका भी केंद्र वही एक ही होना चाहिए। यानी कि संकेंद्रीय का मतलब कौन चाहिए कि उतना वृत्त या वैसा वृत्त जो सबका केंद्र एक ही हो। देख पा रहे होंगे अंदर वाला का भी केंद्र ओ है, बाहर वाला का भी वृत्त का केंद्र ओ है, तब हम इसको कहेंगे संकेंद्रीय वृत्त। और इस संकेंद्रीय वृत्त पर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन देखिए। संकेंद्रीय वृत्त 3 सेंटीमीटर, एगो 5 सेंटीमीटर है, एगो 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श रेखा करती है। देखिए अब सवाल क्या बोल रहा है कि छोटा वृत्त का स्पर्श रेखा खींचना है। तो छोटा वृत्त का स्पर्श रेखा यही ना हुआ, छोटा वाला वृत्त यानी कि अंदर वाला का स्पर्श रेखा हो गया। अब अंदर वाला का स्पर्श रेखा हो गया तो इसका नाम रख दीजिए ए और बी, और यहाँ जिस बिंदु से होकर गुजर रहा है इसको नाम रख दीजिए पी, ठीक है। अब इसमें आप बताइए कि ओ से लेकर पी तक की दूरी कितना होगा। ये छोटा त्रिज्या है और छोटा वृत्त का छोटा त्रिज्या है, इसका वैल्यू दिया है 3। और ए से लेकर ओ तक की दूरी कितना होगा, ओ से लेकर ए तक की दूरी हमको 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि बड़ा वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। तो यहां पे लिखिएगा दिया है ओपी का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। OA का मान दिया है हम लोगों का 5 सेंटीमीटर, और निकालना कौन सी है भाई, तो देख लीजिए हमको निकालना है छोटे वृत्त के स्पर्श उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा की लंबाई, तो जीवा किसको कहते हैं, तो इस पूरा बड़ा वाला वृत्त का जो जीवा है वो क्या है, AB हमको निकालना है, AB निकालना है। तो AB कैसे निकालेंगे दोस्त, तो AB निकालेंगे AP और PB निकाल लेंगे, चाहे AP निकाल के और 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि
पी जो है बिल्कुल मध्य बिंदु होता है, नहीं स्पर्श रेखा का मध्य बिंदु कौन होता है? पी होता है। और अगर हम एपी निकाल के उसको 2 से गुना कर देंगे तो टोटल एबी निकल जाएगा। अब सबसे पहला बात कि एपी कैसे निकलेगा, ये सबसे अहम बात है। हमको तो सवाल में क्वेश्चन बोल रहा है कि एबी निकालिए, ठीक है। अब एबी निकालना है तो एबी के पहले कि एबी निकलेगा कैसे, तो एपी निकाल के और 2 से गुना कर देंगे। तो अब एपी कैसे निकलेगा, तो आप देखिए त्रिभुज चलिए ओ ए पी में, ओ ए पी में चलिएगा तो ओपी हो जाएगा हम लोगों को लंब, और लंब को कहते हैं पी, तो पी का मान 3 हो गया। और ओ ए जो हो गया कर्ण, नहीं तो कर्ण को बोलते हैं एच, तो एच का वैल्यू 5 हो गया, ठीक है। और एपी को कहते हैं बेस यानी कि आधार, तो बी हो गया हम लोगों को एपी। तो आप यहां से बी का फार्मूला पढ़ाया है ना ट्रिगो में कि रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, वहां से आप बी निकाल लीजिएगा मतलब कि एपी निकाल लीजिएगा। और जब एपी निकल जाएगा तो एपी में 2 से गुना करके एबी निकाल लीजिएगा और ये भी ही हमको आंसर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। आप बी निकालिएगा ए ओ ए पी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। बी बराबर फार्मूला बताए हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और उससे निकाल कर ए बी ए बी निकल जाएगा मतलब कि ए पी, और फिर ए बी निकाल दीजिएगा 2 से उसको गुना कर दीजिएगा ए पी जो निकलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है, देखिए एक वृत्त, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है जरा उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। देख लीजिए ये आकृति कौन सा लिखा हुआ है, 10.12, तो 10.12 ये वाला आकृति है हम लोगों का, ये वाला आकृति है ये वाला, ठीक है। अब आकृति 10.12 देखने के लिए बोल रहा है। परिगत का मतलब होता है कि चारों ओर, वृत्त के चारों ओर एक ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाया गया है, और इसी में हमको सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर में ए डी प्लस बी सी, ये जो है हमको सिद्ध करना है। तो पहले जो देखिए कोई भी ज्यामिति बना रहे हैं तो फिगर बनाना बहुत जरूरी है। तो फिगर आप पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिएगा और वृत्त जो है इससे प्रकाल से बनाइएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन क्या ऐसे बोल रहा है वो जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों को जो बोल रहे हैं ना कि एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, देख रहे हैं एक वृत्त है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक वृत्त खींचते हैं, ये वृत्त हो गया, और यहाँ से एक ऐसे स्पर्श रेखा है और फिर ऐसे स्पर्श रेखा है, ठीक है। नाम है इसका ए बी सी डी, और देख पा रहे होंगे फिगर बनाए हैं हम पी क्यू आर एस, ठीक है। ये हम लोगों को क्वेश्चन है 8 नंबर। इसमें हम लोगों को क्या बोल रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी है खींचा गया, फिगर इसमें सवाल में दिया था, हमें क्या सिद्ध करना है वो जरा बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखिएगा हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल ए डी प्लस बी सी। ये देखिए हमको प्रूव करना है ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ये हम लोगों को इस फिगर में प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए दोस्त हमको क्या क्या करना पड़ेगा वो चीज़ें सबसे पहले आपको आने चाहिए।
सबसे पहले आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानना चाहिए कि हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा की लंबाई जो है सेम होती है, बराबर होती है। ये हम लोग प्रमेय पढ़े हैं। तो यहाँ लिखिएगा प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 से हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई जो है समान होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि बिंदु डी से देखा जाए तो डी आर बराबर कौन सी होगा, डी आर बराबर डी एस कौन सी से, तो बिंदु डी से। हम डी वाला बिंदु को देख रहे हैं तो डी आर एक स्पर्श रेखा हुआ, डी एस स्पर्श रेखा हुआ, तो दोनों की स्पर्श रेखा समान होगा। किस बिंदु से बोल रहे हैं, बिंदु डी से। अच्छा, बिंदु सी से अगर बोला जाए, ठीक है, तो सी वाला से देखिए तो बिंदु सी से पता चल रहा है सी आर और बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू किस से, तो बिंदु सी से। तो बिंदु सी से आपको पता चल रहा है कि सी आर का स्पर्श रेखा की लंबाई सी क्यू के स्पर्श रेखा के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो बिंदु बी से अगर देखा जाए, बिंदु बी से, तो बिंदु बी से आपको क्या क्या पता चल रहा है, तो बी पी बराबर में बी क्यू, इस बी पी का जो वैल्यू है बी क्यू के वैल्यू के बराबर होगा। तो ये किस बिंदु से बोल रहे हैं, बिंदु बी से, ठीक है। अगर बिंदु ए का हम बात करें तो इस पर भी स्पर्श रेखा रेखा की लंबाई बराबर होगा, मतलब कि ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस किस बिंदु से, बिंदु ए से। अब ये चार गो बराबर बराबर जो लिखे हैं इसको चार गो समीकरण मान लीजिए, 1 2 3 4। अब ये चार समीकरण हो गया। अब यहां लिखिएगा समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर। देखिए अक्सर दोस्तों क्या है ना, सिद्ध करने वाला जो चीज है आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये बात बिल्कुल आप दिमाग में लोड कर लीजिए कि इसको सीखने से ज्यादा इसको प्रयास करना होगा, क्योंकि आखिर हम लोग किस समीकरण को, कौन किस चीज को समीकरण मानना है, किसको जोड़ने पर हमको सिद्ध करना है, क्योंकि सिद्ध करना है का मतलब आपको उतना ला देना है, ठीक है। और उसको लाने के लिए क्या क्या उपाय किया जाता है, जोड़ना है कि घटाना है कि दोनों समीकरण को गुणा करना है, सब अलग अलग सवाल में अलग अलग चीज करके किया जाता है उसको प्रूव, ठीक है। तो यहाँ आपको जानना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो चारों समीकरण को जोड़ते हैं। तो चारों समीकरण को जोड़ेंगे तो बाएं तरफ क्या मिलेगा, तो बाएं तरफ मिलेगा डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी। ये समीकरण में बराबर के बाएं तरफ वाला को एक साइड जोड़ लिए, देख रहे हैं आप, घेरिएगा नहीं, इसको हम घेर कर आपको समझा रहे हैं कि बाएं तरफ वाला को एक तरफ जोड़े और बराबर फिर दाएं वाला को एक तरफ जोड़ेंगे, तो डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस, ठीक है। बराबर के दाएं तरफ वाला चारों समीकरण के दाएं एक साइड जोड़े, बाएं वाला को एक साइड जोड़े। अब आप इसको देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए पी को लिख सकते हैं ए पी प्लस इस बी पी, इसको बी पी बोलिए चाहे पी बी बोलिए, बात तो बराबर है, तो ए पी और पी बी को हमको एक साथ रखना है प्लस। अब क्यों एक साथ रख रहे हैं, इसके पीछे भी ना कारण है, ठीक है। अब इसको हम लोग सी आर और डी आर को एक साथ रखेंगे, मतलब कि सी आर को सी आर और डी आर बोलिए,
इसको डीआर बोलिए चाहे आरडी बोलिए, बात तो बराबर है। तो सीआर प्लस आरडी। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, दोनों को आखिर साथ, इसी को साथ क्यों रख रहे हैं, तो पता चलेगा अभी तुरंत, देखते रहिए। इधर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों को किसको किसको साथ रखने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे एएस को एक साथ रखेंगे, एएस प्लस डीएस को हम पलट के रखेंगे। डीएस बोलिए एक रेखा, जैसे मान लिया कि हम पीक्यू रेखा खींचे, तो पीक्यू बोलिए चाहे क्यूपी बोलिए, दोनों क्या है, बराबर है। तो हम इस डीएस को एसडी लिख के और साथ में रखते हैं, ठीक है। और प्लस एक और चीज बच गया, कौन सा, तो बीक्यू और सीक्यू, तो सीक्यू को हम क्यूसी भी लिख सकते हैं, बीक्यू प्लस क्यूसी, ठीक है। अब ऐसा इसलिए, देखिए आपका एक सवाल हो सकता है कि यही दोनों को क्यों साथ रखें, एपी और पीबी को, इसलिए क्योंकि एपी और पीबी को जोड़ने से, यहाँ पे देखिए एपी और पीबी को जोड़ने से एक रेखा बन रहा है जिसका नाम एबी हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों को साथ में रखें, दोनों के जगह पे एबी लिख सकते हैं। प्लस सीआर और आरडी, देख लीजिए सीआर किधर है, तो सीआर और आरडी है, तो जब सीआर और आरडी को इसलिए एक साथ रखे थे कि दोनों के जोड़ के हम क्या लिख सकते हैं, एक साथ सीडी, बराबर एएस प्लस एसडी, देख लीजिए एएस प्लस एसडी, तो टोटल हम लिख सकते हैं एडी, इसके जगह पे एडी। प्लस बीक्यू प्लस क्यूसी, यहां देखिए बीक्यू और प्लस क्यूसी, तो दोनों को ऐड करके क्या लिख सकते हैं, बीसी। तो इस तरीके से यही चीज हमको लाना भी था, देख लीजिए क्या सिद्ध करना था, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो इस तरीके से हम लोगों को ये प्रूव्ड हो गया, तो लिख दीजिएगा प्रूव्ड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8 तक के हम लोगों को डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर अभी टोटल 9 यहाँ पे बचा हुआ है, 10, 11, 12, यानी दो दो क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम लोग ब्रीथ को भी खत्म कर लेंगे आने वाले 2 क्लास में। तो आप बिल्कुल आप मन से मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस का चीज़ है, आप वाइट बोर्ड पे खास करके इस ब्रीथ में एक्सरसाइज 10.2 को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसी एक्सरसाइज में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।